नमस्कार, आज वीडियो को मु आपण मानंकु स्वागत करुछि। आसंतु आज आम आलोचना करिबा औपन्यासिक सुरेन्द्र महांतिंकर उपन्यास संपर्कें। औपन्यासिक सुरेन्द्र महांति जहांकर समय सीमा 1922 रु 1990 अर्थात तांक जीवन नाटिका 1922 रु 1990 मध्यरे परिसमाप्त। कथा साहित्यर सव्यसाची सुरेन्द्र महांतिंकर जन्म, से होचंती कथा साहित्यर सव्यसाची। कथा साहित्यर सव्यसाची भावरे परिचित सुरेन्द्र महांतिंकर जन्म 1922 मसीहा जून मास 21 तारीख कटक जिलार सालेपुर थाना अंतर्गत पुरुषोत्तमपुर ग्रामरे। तांको मातांकर नाम सुशीला देवी ओ पितांकर नाम लोकनाथ महांती। जनता पत्रिकार प्रतिष्ठाता बा संपादक भावरे 1945 मसीहारे सुरेन्द्र महांती कार्यभार ग्रहण करिथिले। गणतंत्र पत्रिकार पत्रिका को मध्य 1955 रु 1960 पर्यंत कार्यभार को से ग्रहण करिथिले। तांकर साहित्यर शेष अवधि 52 बा तांकर साहित्यर संपूर्ण अवधि को जदि देखा जीव से 52 खंड ग्रंथर प्रणेता अटंती। 1990 मसीहा डिसेंबर मास 21 तारिखरे मृत्युबरण करिथिले। सुरेन्द्र महांती 1990 मसीहा डिसेंबर मास 21 तारिखरे मृत्युबरण करिथिले। एबे आसंतु सुरेन्द्र महांतिंक रचित उपन्यास गुड़िक संपर्करे आलोचना करिबा। सर्वमोट सुरेन्द्र महांतिंकर जो उपन्यास गुड़िक देखिबा को मिले सेथि मध्यरे सर्वप्रथमे कॉलेज बॉय 1947 मसीहारे रचित, बधु ओ प्रिया र समय 1948, सहस्र सज्जार नायिका र समय 1952, अंध दिगंत 1964, नील शैल 1968, शताब्दीर सूर्य 1970, कालांतर 1972, हंसगीति 1975, अचलायतन 1976 रु 1981, कुलबुद्ध 1977, नीलाद्री विजय 1980, नेति नेति 1982, कृष्णा बेणीर संध्या 1985, आजीवकर अटहास्य 1987, फटामाटी 1988। पर्यायक्रमे बा मसीहा अनुसारे तांकर उपन्यास गुड़िक जानिबा परे आसंतु प्रत्येक उपन्यास संपर्करे टिके आलोचना करिबा। सामाजिक उपन्यास भावरे सुरेन्द्र महांतिंकर जो उपन्यास गुड़िक परिचिति लाभ करिछंती से उपन्यास गुड़िक मध्यरे कॉलेज बॉय, बधु ओ प्रिया, सहस्र सज्जार नायिका, कालांतर, अचलायतन, हंसगीति। प्रथमे आसंतु कॉलेज बॉय उपन्यास संपर्करे आलोचना करिबा। कॉलेज बॉय उपन्यासटीर मुख्य चरित्र भावरे करबी आउ मंजरी दुईटी चरित्र लक्ष्य करा जाए। एहा एक पत्र उपन्यास, सुरेन्द्र महांतिंकर कॉलेज बॉय उपन्यासटी एक पत्र उपन्यास। एथिरे दुई जण नारी परस्पर को पत्र प्रेरणारे उपन्यासटी गतिशील होइछि। नारी दुई जण करबी ओ मंजरी अटंती। मोट 9 गोटी पत्र एहि उपन्यास रे देखिबा को मिले। करबीर 4 गोटी पत्र बेले मंजरी द्वारा 5 गोटी पत्र प्रदान करा जाई अछि। संपूर्ण पत्र गुडीकर पृष्ठा कथा जदि विचार करा जिवो से पृष्ठा गुडीक 35 पृष्ठा विशिष्ट एवं अवशिष्टांश लेखकीय
मंतव्य ए उपन्यास रे देखा मिले। तेणुक आउ थ कही रखुची कलेज बॉय सुरेन्द्र महांती एक पत्र उपन्यास अटे। अन्य एक उपन्यास बधू और प्रिया जहार समय सीमा 1948। ए बधू और प्रिया उपन्यासटी एक त्रिमुखी प्रेम कथा को आधार करी बधू और प्रिया उपन्यासटी गतिशील अटे। से त्रिमुखी चरित्र बा त्रिमुखी प्रेम रे जो माने तीनोटी मुख भावरे दंडायमान होइछंती से तीनोटी चरित्र मध्यरे शिल्पी पंकज जे कि प्रेमिक भावरे उपन्यासरे दंडायमान, व्यवसायी श्रीकांत जे कि पति एवं लीला प्रेमिका परे बधु भावरे चरित्र को ग्रहण करा जाय अछि। अन्य एक उपन्यास सहस्र सज्जार नायिका। ए सहस्र सज्जार नायिका उपन्यासटी 1952 मसीहारे प्रकाशित हुए। ए सहस्र सज्जार नायिकारे जो माने मुख्य चरित्र भावरे आसंती से मुख्य चरित्र मध्यरे सिप्रा ओ मिनती। नायिका सिप्रा पांच जन पुरुषंकु बारंबार सज्जा संगिनी करियछि बा पांच जन पुरुषंकर से सज्जा संगिनी साजिअछि। उलग्न जौन विलासर प्रतीक हेउछि सिप्रा ओ सतीत्व संपन्न नैतिकतार पक्ष को बहन करिबारे बा नैतिकतार पक्ष को समर्थन करिबा पई व्यवहृत हेउथबा चरित्रटी हेउछि मिनती। मात्र एठारे मिनती की जरा व्याधिग्रस्त करी मृत्यु करा जाय अछि बा ताकू मृत्युवरण कराइ दिया जाय अछि उपन्यासटी रे। आउ एक उपन्यास कालांतर 1972 मसीहारे प्रकाशित। कालांतर उपन्यास रे जेउ चरित्र माने देखा जांती सेमानंक मध्यरे मुख्यतः चंद्रमणि ओ केति। चरित्र चंद्रमणि 1971 मसीहारे होइथिबा घूर्णिबात्यार पृष्ठभूमि रे रचित। ताले कालांतर उपन्यासटीर जेउ घटनार पृष्ठभूमि कथा कहा जाउछि जे घटना को आधार करी कालांतर उपन्यासटी रचित होइछि ता हेउछि 1971 मसीहारे संगठित होइथिबा बा 1971 मसीहारे होइथिबा घूर्णिबात्यार पृष्ठभूमि को आधार करी कालांतर उपन्यासटी रचित। किंचित अवशोष ओ किंचित दीर्घश्वासरे अन्य कालर अपेक्षा करे पाठक प्रतीक्षित भिन्न काल कालांतर कहुच्छे। किंचित अवशोष एवं किंचित दीर्घश्वासर अन्य कालर अपेक्षा करे पाठक प्रतीक्षित भिन्न काल कालांतर बोली। परिस्थिति चापरे शिशु हत्याकारी पालटिथिबा केति आउ एक नारीर प्रसव प्रक्रियारे सहायिका होइ ठिया हुए। तेणुकर एठि जो नारी दुईटी देखा जाउछंती जणे हेउछि सिप्रा नहीं जणे हेउछि चंद्रमणि आउ एक नारी हेउछि केति। अन्य एक उपन्यास तांकर अचलायतन। सुरेन्द्र महांतींकर अन्य एक उपन्यास अचलायतन। एही उपन्यासटी 1976 रु 1981 मसीहा मध्यरे प्रकाशित होइअछि। 1976 मसीहारे नवरवि पत्रिकारे रवींद्र परिजा पूजा संख्यारे बाहरी थिला। तापरे 1981 मसीहारे पुस्तक आकारे एहा प्रकाशित होइछि। तेणुकर यार समय सीमा को कहा जाउछि 1976 रु 1981 बोली। ए अचलायतन उपन्यासर चरित्र हेउछन्ति रुद्रमाधव। परिवर्तित परिस्थिति सहित रुद्रमाधव सालिस करि पारि नाहन्ति। तापरे तांक सुरेन्द्र महांतींकर जो बहुचर्चित उपन्यास बा तांकु परिचय प्रदान करिछि से नीलशैल उपन्यासटी। से उपन्यासटी हेउछि नीलशैल। ए नीलशैल उपन्यासरे जो चरित्र माने देखा जाती से चरित्र मानक मध्यरे एक चरित्र अन्य समस्त चरित्र ऐतिहासिक चरित्र होइतिबा बेले गोटिए मात्र चरित्र देखा जाए जे कि
काल्पनिक चरित्र से काल्पनिक चरित्रटि हेउछि सरदेई। नीलशैल श्रीजगन्नाथंकु भित्ति करि रचित 1964 सालले औपन्यासिकंकु रथयात्रा देखिबार सुजोग मिलिथिला। सेदिन सेई अविस्मरणीय अनुभूतिर प्रेरणा देइथिला औपन्यासिकंकु नीलशैल उपन्यासटिकु रचना करिबा पई। एहि उपन्यासटि रामचंद्र देवंक जीवन इतिहास को नेई गठित। रामचंद्र देव एक भिन्न चरित्र रे ए उपन्यास रे पदार्पण करिछंती। से जणे निसंग संग्रामी, तांकर क्षत्रिय सुलभ संग्रामशील निष्ठापर कर्म कृतित्वर आभास एई उपन्यास रे परिलक्षित। से उत्कलर भाग्य विधाता जगन्नाथंकर सेवक अटंती। एही नीलशैल उपन्यास रे देखा जाउथिबा ऐतिहासिक चरित्र मानंक मध्यरे तकी खां, देवान कृष्ण नरेन्द्र, रिजिया बीबी, ललिता महादेई प्रकृति। आउ भी कही रखुचे काल्पनिक चरित्र, एकमात्र काल्पनिक चरित्र हेउछि सरदेई। अन्य एक उपन्यास नीलशैलर उत्तरार्ध भावरे अन्य एक उपन्यास जहाँकि नीलाद्रि विजय से रचना करिसंती बा उपन्यासिक सुरेंद्र महांती नीलाद्रि विजय रचना करिसंती जहाकु जे नीलाद्रि विजय उपन्यास को कहा जाउछि एहा नीलशैल उपन्यासर उत्तरार्ध बोली। पुनि नीलशैल उपन्यासटी को से रचना करिवार जे अभिप्राय ताकु से कहुछंती जे नीलाद्रि विजय संपर्क रे से लेखिछंती परमानंद आचार्य मृत्यु पूर्वरु परमानंद आचार्य मृत्यु पूर्वरु झंकार पत्रिकार एक प्रबंधर उपसंहारे मते नीलशैल उपन्यासर परवर्ती घटना लेखिबार दायित्व देइथिले। सुरेंद्र महांतिंकु परमानंद आचार्य नीलशैल उपन्यासर परवर्ती घटना को लेखिबा पई दायित्व को देइ जाइथिले। मते कहिले अर्थात सुरेंद्र महांतिंकु कहिथिले जे जगन्नाथंकु अपंतरारे छाड़ी आस नाही। जगन्नाथंकु अपंतरारे छाड़ी आस नाही। नीलाद एई कथा को सुनिबा परे सुरेंद्र महांती लेखिथिले नीलाद्रि विजय उपन्यास। नीलाद्रि विजय औपन्यासिकंक मतरे एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास अटे। नीलाद्रि विजय रे जेउ चरित्र माने देखा जांती सेमानंक मध्यरे एक चरित्र जगुनी सरदेई मध्य एठारे एक विद्रोही आत्मा भावरे देखा जाउछि। से नीलाद्रि विजय को मध्य स्पर्श करिछि। नीलशैलरु नीलाद्रि विजय पर्यंत सरदेई चरित्र को पाठक भेटी थाए। तापरे आउ एक उपन्यास कृष्णाबेणीर संध्या। कृष्णाबेणीर संध्या उपन्यासर जो चरित्र माने देखा जांती से चरित्र मानंक मध्यरे प्रताप रुद्रदेव, कृष्ण देवराय आउ जगन मोहिनी। गजपति प्रताप रुद्र देव जीवनर एक अध्याय को नहीं यह उपन्यासटी रचित। गजपति प्रताप रुद्र देवंकर जीवनर एक अध्याय को नहीं कि कृष्णाबेणीर संध्या उपन्यासटी रचित। ऐतिहासिक आर डि बानर्जी ठारु पंडित नीलकंठ दासंक पर्यंत जो कथा कही जे प्रताप रुद्रदेव श्रीचैतन्यंक आगमन परे वैष्णव धर्म ग्रहण करी कापुरुष पालटी ओडिशा हराई उपरुक्त मंतव्य को भूल प्रमाणित करिबा पई औपन्यासिक महांती बा औपन्यासिक सुरेंद्र महांती देखाई ओडिशार इतिहास रे सबुठारु जिए विराट युद्ध लढ़ी से हेउछंती प्रताप रुद्रदेव। कृष्णाबेणीर संध्या उपन्यासटी तांकर कन्या जगन मोहिनी जोटा कि मुझे जन्म मोहिनी कही भूल ताहा जगन मोहिनी वियोगांतक इतिहास ही यार कहानी। कृष्णा नदीर दक्षिण को अन्य सबु राज्य राजा कृष्णदेव राय द्वारा अधिकृत होता। यही हेतु उपन्यासर नामकरण कराई कृष्णाबेणीर संध्या। यह उपन्यास श्रीजुक्त महांती
प्रताप रुद्रदेवंक प्रति सहानुभूति प्रकाश करिछंती। समग्र उपन्यास रे अति आकर्षणीय चरित्र हेउची जगन मोहिनी। एही चरित्रटी ऐतिहासिकता को नेई संदेह प्रकाश करा जाउथिले मध्ये एही चरित्रटी महनीय रूप से फुटी उठी कृष्णावेणीर संध्या उपन्यास रे। आजीवकर अटहास्य तांकर आउ एक उपन्यास। ए आजीवकर अटहास्य उपन्यासटी बौद्ध धर्म रो प्रतिवाद रे गढ़ी उठी। ए आजीवकर अटहास्य रे जो चरित्र माने देखा जानती से चरित्र मानक मध्य उपनंद क्षमा काश्यप राजा अशोक बौद्ध धर्मर किंवदंती को आधार करी आजीवकर अटहास्य उपन्यासटी रचित। एही उपन्यासटी रे अशोकंकर राजत्व पृष्ठभूमि को अवतारणा करा जायछि। एही उपन्यासटी रे अशोकंकर राजत्वर पृष्ठभूमि को ग्रहण करा जायछि। एथिरे अशोकंकर सेपरि किछि संपर्क थिबा भळि मने हुए नाही। उपन्यासटीर आरंभ अति नाटकीय भावरे देखा जाए। मूलरु काश्यपंक ठारु ब्रह्मदंड पाई विताड़ित होइछंती उपनंद ओ क्षमा। परिणतिरे ब्रह्मदंड पाइथिबा उपनंद ओ क्षमा घटनाचक्ररे होइछंती महाचार्य उपनंद ओ भगवती क्षमा। एमानंकु देखि आचार्य काश्यप आश्चर्यान्वित होइछंती। एमाने आचार्यंकु तांक मार्गर पथिक हेबाकु मध्य अनुरोध करिबा आहुरी विस्मयकर अटे। एही उपन्यासर आरंभरे ओ परिणतिरे आजीवकर दुईथर हसिछि। आजीवकर अटहास्य उपन्यासरे आजीवकर उपन्यासर आरंभ ओ उपन्यासर शेषरे दुईथर हसिछि। बौद्ध दर्शनर कठोर आत्मनिग्रह बळरे मोक्ष लाभ संभव बोली विश्वास करूथिबा बेले आजीवकर संप्रदाय ताहार संपूर्ण विपरीत प्रवृत्ति परिपूर्ति उपरे गुरुत्व आरोप करिअछि। बौद्ध दर्शनर विफलता सब्यस्त कराई एही आजीवकर अटहास्य उपन्यासटिकु श्रीजुक्त महांती रचना करिछन्ति। नेति नेति उपन्यासरे जेउ चरित्रकु देखिबाकु पांती से होचन्ति मानवेन्द्र। नेति नेति उपन्यासर नायक होचन्ति मानवेन्द्र। सत निग्रह निपीड़ित एही समाज रे लालित पालित एक अशांत युवक जे कि जीवनर समस्त अस्थिरता भितरे तार लक्ष्य पथरे गति करिछि ओ नूतन मूल्यबोधर संधान मध्य करिछि। आउ एक उपन्यासटी हेउछि अंध दिगंत। एही अंध दिगंत उपन्यासरे देखा जाउथुबा चरित्र मानक मध्यरे निधि दास मंत्री सुधोदन महापात्र। निधि दास आउ अन्य जने मंत्री सुधोदन महापात्र। एही उपन्यासरे लेखक एहाकु तांकर प्रथम सीरियस उपन्यास बोली स्वीकार करुछंती। एहाकु लेखक तांकर प्रथम सीरियस उपन्यास बोली स्वीकार करुछंती। एही उपन्यासरे से स्वाधीनता परवर्ती भारतीय समाज रे गणतंत्र शासन नामरे चालुथिबा अनीति दुर्नीति व्यभिचार एवं व्यभिचारर एक हृदयग्राही चित्रांकन से एही उपन्यासरे करिछंती। जेउ माने स्वाधीनता संग्राम रे झास देई ब्रिटिश सरकारंक ठारु लाठी माड़ खाई थिले सेमाने स्वाधीनता परे मध्य लोकलोचन को आसी पारि नाहंती। से स्वाधीनता संग्रामी पेंशन नेबाकु संकोचबोध करिछंती। एपरिकि मृत्यु परे सुधा तांको संपर्करे खबर कागजरे संवादटिए बाहरी नाही। ए पई औपन्यासिकंकर क्षोभ किछि कम नुहे बोली कहा जाउछि। प्रकृतरे जो माने स्वाधीनता संग्रामरे निज जीवनकु तिल तिल करि सेथिरे विनिजोग करिथिले सेमाने प्रकृतरे स्वाधीनता संग्रामीर भत्ता ग्रहण करिबा पई भी कुंठाबोध करिछंती संकोचबोध करिछंती। काहेकि ना देशात्मबोध सेमानंक भितरे एते आत्मीयता भरी देइथिला
ଯାହାର ପ୍ରତିଦାନରେ ସେମାନେ କିଛି ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଖବରକାଗଜରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରଟି ପୃଷ୍ଠାମଣ୍ଡନ କରିନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଔପନ୍ୟାସିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଖୁବ୍ କ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚରିତ୍ର ଏଇ ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯିଏକି ଛଳନା ସର୍ବସ୍ୱ, ଉଦାରତା ଓ ସୁବିଧାବାଦୀ ଚାଲିଛି, ସୁବିଧାବାଦିତାର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷମତାସୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋଧଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଏଠି ପାଠକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ଚରିତ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖାଯାଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପନ୍ୟାସଟି ହେଉଛି କୁଳବୃଦ୍ଧ। ଉନବିଂଶ ଶତକର ଓଡ଼ିଶାର ନବଜାଗରଣରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଉପନ୍ୟାସ ଦ୍ୱୟ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ କୁଳବୃଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଚରିତ ଉପନ୍ୟାସ ଦୁଇଟି ଔପନ୍ୟାସିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଛି, ସେଇ ଚରିତ ଉପନ୍ୟାସର ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ଆଧାର କରି ଜୀବନୀ ଉପନ୍ୟାସ ବା ଚରିତ ଉପନ୍ୟାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାଙ୍କ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ, ତା ହେଉଛି ଫଟାମାଟି। 1988 ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ। ଫଟାମାଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଫଟାମାଟି ଉପନ୍ୟାସକୁ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଯାଉଛି ଏହା ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଅଟେ। ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଫଟାମାଟିରେ ହିଁ ଅନୁମେୟ ବା ଫଟାମାଟିରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଅଚଳାୟତନ ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରେ, ଫଟାମାଟି ତାହାର ବୃହତ୍ତର ପରିବେଶଗତ ରୂପ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଔପନ୍ୟାସିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଔପନ୍ୟାସିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଉପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରିବ ତତ୍ସହିତ ତା'ର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବି। ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।